नादिया हुसैन एंड यू आर वॉचिंग emax टीवी और आज के इस स्पेशल व्हाट्स योर वैनिटी सेगमेंट में जो है मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू डू योर कॉन्टोर हाईलाइट एंड ब्लश सो लेट्स गेट स्टार्टेड कॉन्टोरिंग होती है वो हमें लिमिटेड अमाउंट में ही करनी होती है क्योंकि जाहिर है जो रियल लाइफ में जब हम लोग मेकअप देखते हैं या एक अब जब आप दूसरे इंसान को जो है वो देखते हैं इन मेकअप यू डोंट वांट टू सी वेरी हार्श ब्लैक लाइंस जितनी कॉन्टोरिंग जो है वो डार्क होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है बट द ट्रूथ इज़ कि जितनी कॉन्टोरिंग डार्क होगी वो रियल लाइफ में जो है वो बुरी भी लगती है सो व्हाट आई प्रिफर डूइंग इज़ डूइंग अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ कॉन्टोर और जब आप अपना फाउंडेशन लगा लेते हैं तो उसके बाद जो है वो जनरली पाउडर कॉन्टोर के साथ जो है वो अपनी कॉन्टोरिंग करते हैं सो लेट्स गेट ऑन टू कॉन्टोरिंग के लिए जो है वो ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि इस किस्म का एक छोटा सा जो ब्रश है भले इट इज़ अ राउंडेड शेप सो दैट जब आप जो हैं वो अपनी जो आपका जो जो चीक बोन का जो एरिया है विच इज़ राइट अंडरनीथ योर चीक बोन जब आप वहाँ पे उसको ब्रश को लगाते हैं सो इट इज़ गोइंग टू यू नो ग्लाइड रियली वेल इन दिस एरिया ठीक है सो इस किस्म का जो ब्रश है दैट इज़ यू नो वेरी essential you can also use a brush of this sort ye jo hai actually revlon ka ek brush hai mera bahut purana favorite brush hai aur ye jo hai ye elf ka contouring brush hai this is more like a flat brush isko bhi jo hai wo istemal kar sakte hain because this also gives a very nice kind of a contour and it's very defined ठीक है सो दीज आर द टू काइंड ऑफ ब्रशेज विच यू कैन यूज़ फॉर कॉन्टोरिंग जो इससे जो मोटे ब्रशेज होते हैं लाइक राउंडेड ब्रश ऑफ दिस सॉर्ट और देन इस किस्म का एक एंगल्ड ब्रश है दीज आई यूज़ मोर ये जो है इस किस्म का जो ब्रश है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ फॉर द पाउडर और इस किस्म का जो ब्रश है वो मैं यूज़ करती हूँ फॉर द ब्लश ऑन so basically you know I'm going to stick to these brushes for the contour contour ke liye khaas taur pe main ये मेरे पास एक मैंने पैलेट जो है वो इंग्लॉट का जो है वो मैंने बनवाया है और इंग्लॉट इज़ हेयर एट डॉलमन मॉल क्लिफ्टन एंड मैंने ये कॉन्टोर एंड हाईलाइट एंड ब्लश ऑन के जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो रखे हुए हैं एंड आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ दीज आर ऑल द हाइलाइटर्स ये जो दो कलर्स हैं ये एक डार्क है एक लाइट है ये मैं कॉन्टोर के लिए इस्तेमाल करती हूँ दीज आर द ब्लश ऑन्स सो एंड आई ऑल्सो रियली लाइक द क्रिस्टीन का जो कॉन्ट्रोल किट है दिस इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी डार्क एंड इतना जो डार्क है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन इतना जो डार्क है ये क्रिस्टीन का जो है ये फेस कॉन्ट्रोल नंबर 3 है जिसमें दोनों जो हैं ये डार्क शेड्स हैं इतना डार्क हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर नॉर्मल लाइफ बट अगर आप एक छोटा सा डैब भी इसको करेंगे तो इसका बहुत इफ़ेक्टिव किस्म का जो है वो कलर आता है so let's get started I'm going to basically use this brush and main jo hu ye jo lighter color hai of the inglot palette iska lighter tone main dab karungi aur ek jo hai wo dab main dark color main dab karungi jo christine ka hai एंड जो एरिया है कॉन्टोर का चाहे वो आपका हैवी फेस हो यू नो थोड़ा सा सर्कुलर फेस हो या ओवल फेस हो या आपका बहुत स्क्वायर फेस हो सो मोस्टली जो हमें कॉन्टोर करना होता है दैट इज़ बेसिकली राइट अंडरनीथ द चीक बोन जो आपका हॉलो आता है जब आप ऐसे करते हैं तो ये जो हॉलो आता है यहाँ पे जो है वो आपको कंट्रोल करना है ठीक है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेयर लाइन सो इफ़ यू डू इवन दिस और इफ़ यू डोंट यू नो यू डोंट नीड टू स्क्वीज इन योर चीक्स लेकिन अगर आप अपने चीक बोन के बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं फ्रॉम द हेयर लाइन एरिया यू स्टार्ट टेकिंग इट डाउनवर्ड इन अ टूवर्ड्स योर लिप्स बट आपको जो है वो हल्का सा जब आप स्माइल करेंगे सो यू आर गोइंग टू गेट दिस यू नो डेफिनेशन ऑफ द चीक बोन ठीक है हल्का सा उसको सर्कुलर मूवमेंट में
चीक बोन के नीचे जो है वो आपको डिपॉजिट करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि जो मैंने ये कॉन्टोर किया है इससे जो मेरा चीक का जो एरिया है ये काफ़ी डिफाइन हो गया है। इस एरिया में जो है वो अभी थोड़ा सा फ्लैट नज़र आ रहा होगा, तो ये एरिया जो है वो ज़्यादा डिफाइन हो गया है। अगर मैं इसको डार्कर कॉन्टोर करूँ ये और ज़्यादा डिफाइन हो गया, लेकिन इतना जो है डार्क हम उसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी डार्क, ठीक है। सो इसको जो है वो मैं इस फ्लैट ब्रश के साथ मैं इसको थोड़ा सा और इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। सो आई डोंट वॉन्ट सच अ डार्क कलर, सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट टूवर्ड्स माई हेयर लाइन एंड ऑफकोर्स डू द अदर चीक। सो अब ये चीक जो है ये भी कॉन्टोर हो चुकी है इन दिस राउंडेड काइंड ऑफ अ वे। यू हैव टू टेक इट डाउन फ्रॉम योर हेयर लाइन बिलो द चीक बोन और आपको जो है वो चीक का जो एरिया है उसको डिफाइन करना है फ्रॉम इन अ राउंडेड वे, ताकि ये कि ये जो आपका जो चीक एरिया है ये जो है ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। और अब जो हैं वो आप इसी किस्म के ये जो कलर हैं दोनों को मिक्स करना है, या आप लाइटर टोन पे ही रह सकते हैं। फिर आपको अपनी जॉ लाइन को डिफाइन करना है, ठीक है ना। जॉ लाइन के लिए यू हैव टू गो इन एन एंगुलर फैशन। जिनका राउंड फेस होता है उनको जो है वो और ज़्यादा अपने एंगल ऑफ द जॉ पे जो है वो उनको थोड़ा सा डेफिनेशन देनी होती है। सो लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गो इन अ along your jawline, ठीक है। और जो हड्डी का एरिया है उसके ऊपर आपको कॉन्टोर करना है एंड कॉन्टोर अंडरनीथ द जॉ एंड क्रिएट एन एंगल ओवर हियर, ठीक है। और जो डबल चेन होती है, जैसे कि ये डबल चेन होती है, उसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा सा कलर को स्प्रेड कर दें। तो कॉन्टोर एंड हाईलाइट इज़ बेसिकली कि जो कॉन्टोर हम करते हैं उस एरिया को हम डार्कर करते हैं। जो डार्कर जो एरिया होता है वो शेडो में चला जाता है, वो छुप जाता है, और जो जिस एरिया को हम हाईलाइट करते हैं वो और वाजे हो जाता है। तो हमें जो कॉन्टोर करना है वो हमारी वी नीड टू कॉन्टोर आवर जॉ एंड वी नीड टू कॉन्टोर आवर चीक, सो दैट यू नो हमारे फेस के ऊपर जो है वो एक डेफिनेशन आए, ठीक है। बिकॉज वी वॉन्ट कि हमारी जो चीक्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, क्योंकि जो एजिंग फेस होता है वो उसके जो लोअर एरिया होता है वो ज़्यादा भारी होता है, और जो यंग फेस होता है उसके जो अपर एरिया होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। सो वी वॉन्ट कि हम लोग यंगर लुक जो है वो हमारी आए, जिसके अंदर हमारा चीक्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो, हमारा जो नोज़ का ब्रिज है वो प्रोमिनेंट हो, आईब्रोज के ऊपर का एरिया प्रोमिनेंट हो, बेसिकली द सेंटर ऑफ द फेस हैज़ टू बी मोर प्रोमिनेंट। उसको जो है वो हमने हाईलाइट करना है, और जो साइड्स हैं और जो लोअर एरिया है उसको हमने जो है वो कॉन्टोर करना है, ताकि उसको हमने डार्कर टोन में लाना है कि वो शेडो में चला जाए। सो व्हेन यू हैव अ डबल चिन एज वेल यू नीड टू कॉन्टोर द इंटायर एरिया, काइंड ऑफ डार्कन इट, बट ऑफ कोर्स काला नहीं कर सकते हैं, उसको डार्कन करना है ताकि आपकी जो डबल चिन है वो भी जो है वो छुप जाए, ठीक है। मोर इट शुड गो इन टू अ शेडोई एरिया, सो इट विल गिव यू मोर डेफिनेशन। बट ऑफ कोर्स अगर आपका बहुत ज़्यादा राउंड फेस है, डोंट एक्सपेक्ट कि जी कॉन्टोर जो है वो आपके पूरे फेशियल फीचर्स को चेंज कर देगा, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने चिन के एरिया को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ गिवन मी एंड सम टाइम्स यू नो लाइक सम पीपल लाइक के एक छोटा सा एक डेंट जो है वो आपकी जो क्लेफ्ट बनती है यूं करके, वो क्लेफ्ट को भी जो है वो टाइम डिफाइन करते हैं। सो दिस यू नो गिव्स लाइक अ नाइस क्यूट काइंड ऑफ अ लुक एज वेल। सो आई एम डिफाइनिंग द क्लेफ्ट इन माय चिन। Now you can see that the cleft has become more prominent. और अब जितना भी प्रोडक्ट इसके ऊपर ब्रश के ऊपर लगा हुआ है उसी प्रोडक्ट को लेके आई एम गोइंग टू डिफाइन द नोज ओनली यू नो ऑन द साइड ऑफ द
ये जो आपका टॉप पोर्शन है, जो ब्रिज है नाक का, उसके जो साइड हैं उनको जो है वो आपको इसी किस्म के ब्रश के साथ जो है वो मैं कंटूर कर रही हूँ, जस्ट साइड, ठीक है, एंड देन अंडर द टिप ऑफ द नोज। अगर आपकी नाक बहुत लंबी है तो आप जो हैं वो और ज़्यादा टिप को जो है वो कंटूर कर सकते हैं, तो वो आपकी नाक की जो टिप है वो थोड़ा सा छुप जाएगी, मीनिंग इट्स गोइंग टू गो इनटू अ शैडो। बट इफ़ यू हैव वेरी ब्रॉड नोज, यू कैन ब्रिंग द कंटूर मोर क्लोसर टू द ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके थोड़ा सा अपने जिस तरह जिनके बहुत वाइट फोरहेड्स होते हैं, जैसे कि मेरा जो है वो वाइट फोरहेड है, चौड़ा फोरहेड है, तो थोड़ा सा हेयर लाइन के आसपास जो है वो आपको कॉन्टोर करना है, बिकॉज यू वांट कि ये भी जो एरिया है वो थोड़ा सा शेडो में चला जाए, ठीक है। सो दैट द यू नो सेंटर ऑफ द फोरहेड, सेंटर ऑफ द नोज, द चीक्स एंड द योर अपर लिप, ये जो एरिया है ये आपका हाईलाइट रहे, बाकी जो एरिया है वो आपका कॉन्टोर होके शेडो में चला जाए, ठीक है। सो आई हैव डन द कॉन्टोरिंग ऑफ माई चीक्स, आई हैव डन द कॉन्टोरिंग ऑफ माई जॉ, ऑफ द नोज एंड ऑफ द फोरहेड, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के लिए जो है वो मैं इस किस्म का ब्रश इस्तेमाल करती हूँ, विच इज़ लाइक एन एंगल्ड काइंड ऑफ ब्रश, इट्स अ नाइस फ्लफी ब्रश, और यहाँ पे जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एक्चुअली मैंने किसी लोकल स्टोर से लिए था, ग्लैमरस फेस का, दिस इज़ लाइक अ शिमर काइंड ऑफ अ ब्लश ऑन, तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ब्लश ऑन जो है वो आपको लगाना है अगेन ऑन योर चीक एरिया, ओके। सो स्माइल, द बेस्ट वे टू डू इट इज टू स्माइल एंड विद लाइट मूवमेंट्स एंड अ लिटिल बिट ऑन द नोज। So now my cheeks have gotten, you know, rosy and blushed. I've gotten that blushed look. And now I'm going to move on to highlighting. मैं इस किस्म का ब्रश इस्तेमाल करती हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैटिश सा है, इवन दो इट इज़ अ लिटिल यू नो पूफी, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा फ्लैट है, आप लोग फैन ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You have to use a slightly, you can use this kind of a rounded brush as well for highlighting, you know, depends ki aapko highlight kahan karna hai. But for the cheekbones, I like to highlight my cheekbones with a slightly wider brush because uske upar zyada product jo hai wo aa jata hai. Is highlight ke liye main abhi jo hai wo istemal kar rahi hu Anastasia Beverly Hills ka, this is the limited version which is the Nicole Guerrero glow kit. I really love this glow kit because you know it gives a really lovely shine. तो मैं क्या करती हूँ कि ये जितने भी कलर्स हैं वो सबको जो है वो एक स्वीप करती हूँ, इसके ऊपर प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता है, एंड देन यू नो आई एम गोइंग टू हाईलाइट ऑन दिस एरिया, ओके, एंड अ बिट ऑन द साइड ऑफ माई टेम्पल। सो यू कैन सी दैट दिस इज सुपर हाईलाइटेड, यहाँ पे कॉन्ट्रोल हुआ हुआ है, यहाँ पे जो है वो आपका ब्लश लगा हुआ है, सो जस्ट इन द चीक एरिया देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। एंड देन मैं ये जो राउंड ब्रश हैं इसको मैं इस्तेमाल करूँगी, अगेन यू नो आई एम गोइंग टू जस्ट स्वीप ऑल द कलर्स एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट above my eyebrow, और थोड़ा सा center of the forehead, and then I also like to highlight my chin and the jawline. जहाँ पे आपने contour किया है उसके बिल्कुल बराबर में जो highlighted होगा वो area ज़्यादा prominent हो जाता है. So where we have done the contour, हम जो है वो अपनी jawline को भी highlight करना चाह रहे हैं, तो अपनी जो यू नो जो जाउल्स हैं और जो डबल चिन है उनको तो हमने छुपा दिया, लेकिन अपनी जॉ लाइन को जो है वो हमने हाईलाइट करना है। सो इस ब्रश के साथ भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, एंड देन अ लिटिल बिट ऑन द क्यूपिड बो, सो इट विल मेक योर लिप्स यू नो द पाउच ऑफ योर लिप मोर प्रोमिनेंट।
right towards the end, मैं जो blush on का जो brush है वो लेके सब चीज को थोड़ा सा जल्दी जल्दी से blend करती हूँ so that there are no like prominent lines, especially on my cheek. So there you have it.